सबसे पहले आप सबका शुक्रिया और तरीन साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मेरी मुश्किलें आसान कर दी है। उन्होंने सारा कुछ पहले एक्सप्लेन कर दिया और सबसे जो पार्टी के टैक्स सेवी लीडर हैं उन्होंने जब सब कुछ समझा दिया आपको, तो मेरा काम सिर्फ ये रह गया कि मैं आपको दो तीन चीज़ें शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो ये कि इस वेबसाइट का सबसे जो बड़ा पर्पज है वो ये है कि हम लीडरशिप से लेके एक आम वर्कर तक हम उसको सपोर्ट करें और उसको किसी ना किसी तरह इंगेज करें कि वो हमारे पार्टी का साथ दे और सपोर्ट करें हर तरीके से। इसमें एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप देखें तो सबसे आजकल ट्रैफिक जो नेट पे होती है वो मोबाइल पे होती है, तो हमारी जो पिछली वेबसाइट थी वो इतनी मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं थी और इसी वजह से उसकी ट्रैफिक कम थी। 90% जो ट्रैफिक थी वो मोबाइल पे थी, तो इस वजह से इस वेबसाइट का सबसे अच्छा फीचर है ये कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। मेरी रिक्वेस्ट होगी इस वक्त सब आप लोगों से, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए और ये सॉफ्ट लॉन्च है, कि सब अपने ब्राउजर में www.insaf.tk/beta टाइप करें और उसको विजिट करें अभी और उसको फेवरेट करें ताकि आपको याद रहे। हम ये चाहते हैं कि आप सब लीडरशिप से लेके हर बंदा यहाँ पे हमें feedback@insaf.tk पे आप लोग फीडबैक दें। एक पूरी टीम बैठी हुई है जो कि इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, आपकी फीडबैक को हम लोग जो है वो फौरी तौर पे इंटीग्रेट करेंगे और बेस्ट पॉसिबल जितना भी होगा हम देंगे। इसमें एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे रीजनल प्रेसिडेंट्स हमारे जितने भी बैठे हुए हैं उनके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो देख लें कि हमने इसको लेके गए हैं चैप्टर्स में, अगर आप देख सकें तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पंजाब में जिस तरह 4 चैप्टर्स हैं, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, वेस्ट पंजाब। तो इस वक्त जितने रीजनल प्रेसिडेंट हमारे जो टेक्निकल टीम है उनके साथ बैठें और उनको बताएं कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक वो क्या किस लेवल तक इसको डेवलप करना चाहते हैं, क्या वो यूनियन काउंसिल तक जाना चाहते हैं। इस वेबसाइट में यूनियन काउंसिल तक जाने की जो है वो कैपेबिलिटी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वेबसाइट की ओनरशिप लें, आप इसको ब्राउज करें। आप यकीन जाने के कल रात मैं इसको ब्राउज कर रहा था और मैं वीडियोस के सेक्शन में गया तो हमने इसमें अभी बड़ी सिलेक्टेड वीडियोस डाली हैं, लेकिन एक ऐसा नॉस्टैल्जिया है कि आप खुद इमोशनल हो जाएंगे। आपकी जितनी जर्नी है इस पार्टी के साथ, जो आपकी जितना मोमेंट्स हैं वो सारे फ्रेश हो जाते हैं। एक 2014 का आप लाहौर का जलसा की ये ड्रोन वीडियो है उस वक्त वायरल हुई, लेकिन उसके बाद हम लोग भूल गए। और ये जब आप दोबारा से आर्काइव करने का मकसद ही ये है कि हम पिछले भी विजिट कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्यूचर में जितना भी हम लोगों का आएगा वो भी विजिट होगा। 96 से लेके अब तक की सारी वीडियोज, सारी एल्बम्स, सब कुछ हम लोग इस वेबसाइट के अंदर लेके आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% आ चुका है, 40% हम, क्योंकि डेटा स्कैटर्ड था, कभी आज तक ये कोशिश की नहीं गई कि एक जगह पे हम आर्काइव करें। और थैंक्स टू सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड पे, उन्होंने इस चीज़ को जरूरत को समझा और उन्होंने इसका कहा कि हम एक आर्काइव करें। इसमें एक मीडिया वर्ग का जो हमारा मीडिया सेल है उसके लिए एक मैं सॉरी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, सिर्फ मैं फीचर जितने ज़्यादा ही बताना पड़ रहा है। मीडिया सेल के लिए एक सिर्फ और मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि लास्ट वेबसाइट जो प्रीवियस वेबसाइट थी या उससे भी प्रीवियस वर्जन, उसके अंदर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी कि हम प्रेस रिलीजेस को ग्राफिकल सूरत में, न्यूज़ को जो हम क्रिएट करते हैं उनको ग्राफिकल सूरत में करें। यहाँ पे हमारी एक टीम बैठी होगी जो कि फौरी तौर पे आप जो निकालेंगे न्यूज़ वो फौरी तौर पे आ जाएगी। लाइक यानी खान साहब की मनी ट्रेल अगर 100% सबमिट हो गई है तो वो भी आ जाएगी, अगर नवाज शरीफ का क्यों निकाला था राज आ गया तो वो भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत डायनेमिक होंगी। और मेरी फिर लास्ट रिक्वेस्ट जाते हुए ये है कि आप सब इस वेबसाइट की ओनरशिप लें, काइंडली फीडबैक है इंसाफ और टीके पे अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह ये वेबसाइट आज लॉन्च तो हो गई है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कब कहूँगा जब ये पूरी दुनिया की बेस्ट पॉलिटिकल साइट होगी। थैंक यू वेरी मच। और कंटेंट राइटर, अगर हमें इस वेबसाइट के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो भी काइंडली करें।
एजाज ने अभी मुझे कहा कि हमें कंटेंट राइटर उर्दू इंग्लिश के अगर कोई भी हों तो एप्लीकेंट वो भी काइंडली थ्रू हमें राइट करें. थैंक यू वेरी मच. वेल डन डॉक्टर सर, ऑल द बेस्ट. क्यों निकाला